अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आँख ले, कैसी चाहे जिंदगी खुल आँखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए सांसों को खींच गए। रेड क्रॉस सोसाइटी में लगातार चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही है और कार्यकारी सचिव लगातार चुनाव से संबंधित काम में लगे हुए हैं और समय लगभग 2:30 बज रहा है और इस समय तक वो लगे रहते हैं तो ज़रूर काम तो कर रहे हैं। अब आने वाला समय चुनाव में इनको कितना समर्थन लोगों का मिलता है वो देखने वाला होगा। लेकिन एक काम हुआ है, इतने दिनों से अगर चर्चाएं हुई है, जो चर्चाएं लगातार उठ रही थी कि रेड क्रॉस में 2 एम्बुलेंस है, 2 एम्बुलेंस के जगह पर आज 1 एम्बुलेंस रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में आ चुका है और हमारे साथ हैं सचिव, रेड क्रॉस के कार्यकारी सचिव महेंद्र घोष जी, मलयदा जी हैं। सर आ गया एम्बुलेंस, अब क्या? हमारे जो हीना हॉस्पिटल में और अनुराग में दोनों हॉस्पिटल कार्यकारी समिति से पास होने के बाद उसकी एक इकरारनामा हुआ था 1 साल के लिए, तो 1 साल बीत गया आपका अनुराग का, उसका भी थोड़ा सा हमारे अध्यक्ष महोदय ने बोला कि पहले 3,000 लेते थे, यदि होगा तो अभी 3,000 से ज़्यादा लीजिए, एक हुआ। और दूसरा बात है कि हीना हॉस्पिटल को जो दिए थे उन्होंने कहा मेरा हॉस्पिटल अभी नहीं चलेगा, लेकिन इसका भी साथ मेरा 1 साल का इकरारनामा था, 8 महीना में उन्होंने बोला हॉस्पिटल हमारा अभी नहीं खुलेगा, हम आपका हॉस्पिटल दे देते हैं जो भी आप, हाँ एम्बुलेंस आपका दे देते हैं और अभी भेज दिए। तो हमारे साथ बातचीत हुई है फिरोज साहब का, फिरोज आलम जी का, उन्होंने हम अभी हमारे एम्बुलेंस दे दिए हैं, अभी तत्काल रखने के लिए हमारे यहाँ पर रेड क्रॉस जगह नहीं है, हम अपना व्यक्तिगत जगह में रखते हैं सुविधा के लिए, उसके बाद जो कार्यकारिणी नई समिति आके निर्णय लेगी वही सब कुछ होगा। तो अब एम्बुलेंस रेड क्रॉस के पास आ चुका है, नई कमेटी के बाद फिर डिसीजन होगा एम्बुलेंस कौन चलाएगा, रेड क्रॉस या फिर इसको कहीं भाड़े पर दिया अभी जाएगा। तक सुनिए, अभी जो आ गया मेरे पास, अभी जब तक चुनाव नहीं आता है, हम यदि हमारा प्राइवेट कोई कॉल आ जाता है तो इसको हम साधारण पब्लिक के लिए जहाँ भी हो हम देने के लिए प्रयास करेंगे, केवल हम थोड़ा सा ड्राइवर को देख लें। अभी तो हमारे जो हीना हॉस्पिटल के जो हैं उनसे बोले हैं कि तब तक यदि अचानक आ जाए तो हमारा जो मालिक है उनसे पूछ के आप चलाइए और हमारा पब्लिक को सुविधा दीजिए, तब तक हम आगे देखेंगे जैसा होगा। आम जन सहयोग के लिए एम्बुलेंस चलेगा, अगर किन्हीं को परेशानी है ज़रूरत है तो वो कॉल कर सकते हैं महेंद्र घोष जी को और एम्बुलेंस प्राप्त कर सकते हैं। ड्राइवर की कमी है, कोई अगर अपना जन सहयोग से ड्राइवर दे सके तो सुविधा मिल जाएगी। तो फिलहाल आज एक बड़ी 5 दिनों के बाद एक अच्छी खबर समझ लीजिए रेड क्रॉस के लिए कि वो अपना एम्बुलेंस एक एम्बुलेंस वापस ले आए और अभी फ़िलहाल निजी हाथों में उनके घोष जी अपने परिसर में रखेंगे, ज़रूरत पड़ने पर लोगों तक सुविधा मुहैया कराएंगे। सहयोगी के साथ रामचंद्र झा, न्यूज़ लाइन मधुपुर। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है राह।